तेजी से पांव पसारते कोविड के चलते नई गाइडलाइंस महाराष्ट्र सरकार ने जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 लोगों को और सोशल पॉलिटिक कार्यक्रम में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक 5 या इससे ज्यादा व्यक्तियों के समूह की सार्वजनिक रूप से आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह पाबंदी 10 जनवरी की रात से लागू हो गई है। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सार्वजनिक रूप से किसी भी आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आवश्यक गतिविधियों और शिक्षकों की प्रशासनिक गतिविधियों को छोड़कर स्कूल कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। आदेश में सरकारी ऑफिसों को घर से काम करने का विकल्प चुनने पर जोर दिया गया है। अगर ऑफिस से ही काम करना जरूरी है तो काम के घंटे को अलग अलग करना चाहिए। निजी ऑफिसों को भी घर से काम करने की अनुमति देकर और काम के घंटे को अलग अलग करके ऑफिस आने वाले कर्मचारियों की संख्या को मैनेज करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही विवाह और सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोह में लोगों की अधिकतम सीमा 50 तय की गई है। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर और ब्यूटी सलून पूरी तरह बंद रहेंगे। हेयर कटिंग सलून 50% क्षमता पर काम करेंगे। कोविड की दोनों डोज लेने वालों को ही मॉल में एंट्री, मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, संग्रहालय, किले और अन्य टिकट वाले स्थान बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स 50% क्षमता पर काम कर सकते हैं और विजिटर्स की संख्या की जानकारी नोटिस बोर्ड पर दी जाएगी। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने की अनुमति होगी और ये प्रतिष्ठान रात 10 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। रेस्टोरेंट और भोजनालय भी 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। वहीं आरोग्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण पड़वे ने हिंगना की जनता से कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की है। कहा जाए तो रेगुलर वैक्सीनेशन हमारा चल ही रहा है। हिंगना तालुका का वैक्सीनेशन तकरीबन फर्स्ट डोज 93% हुआ है और सेकंड डोज मोर देन 60% हुआ है और रूटीन वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है। इसके व्यतिरिक्त 3 तारीख से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हुआ है जो कोवैक्सीन तौर पर हम उनको दे रहे हैं। आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 साल के ऊपर जो बुजुर्ग है जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनके लिए भी बूस्टर डोज लागू हो गया है। सो जिन जिन लोगों ने जो पहले वैक्सीन लिया है फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज वही वैक्सीन इस बूस्टर तौर पर दी जाने वाली है। नियमित सब लोगों ने RT-PCR जहाँ मैं समझता हूँ इसके लिए कंट्रोलिंग मेजर्स में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल इस तरह आता है कि जहाँ हमें लगता है कि फीवर आ रहा है, खांसी है, गला पकड़ रहा है और जो लक्षण बताए गए उस तौर पर अगर हमें संभावनाएं बढ़ती है कि कुछ हमें इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है तो जहाँ भी शंका निर्माण होती है वहाँ इमिजिएटली RT-PCR करके काम में लगना है। RT-PCR कर लिया अगर पॉजिटिव है तो आइसोलेशन, निगेटिव है तो अपने अपने काम में वो नियमित तौर पर रह सकता है और इस बार निर्बंधित तौर पर 7 दिन का ही पीरियड घोषित किया गया है। अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो 7 दिन के लिए उसका आइसोलेशन, 8वें दिन में वो अपने अपने काम में लग सकता है। NBCN न्यूज के लिए हिंगना से आशीष गुरनानी की रिपोर्ट।